हेलो गाइस, अगर आपको बोला जाए कि 4 DVR को एक ही मॉनिटर में आपको चलाना है CCTV कैमरा के लिए, तो आप कैसे चलाएंगे? तो चलिए इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कि कैसे आप 4 या 5 DVR को एक मॉनिटर में कैसे चला सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप 1, 2, 3, 4 और 1 5 DVR है। ठीक है, वो एक्स्ट्रा DVR है, वो आउटपुट DVR है। ठीक है, बाकी सब ये 16 चैनल का जो 4 DVR है ये CCTV कैमरा के लिए है। तो हेलो गाइस, मैं हूं मेराज और आप देख रहे हैं एमआरजे मल्टी इलेक्ट्रिकल्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे आप एक ही मोनिटर में 4 DVR को व्यू कर सकते हैं। ठीक है, इसमें प्रॉब्लम ये होता है कि हमारे पास अगर 1 DVR है तो उससे CCTV कैमरा के लिए हम मान के चलिए 16 चैनल का 1 DVR हम यूज कर रहे हैं, तो कैमरा का सारा चैनल हम कनेक्ट कर दिए हैं, उसके बाद से इसको 1 TV में देखने के लिए HDMI केबल डाल करके और अपने मॉनिटर में HDMI केबल डाल करके 1 DVR का व्यू देख सकते हैं। लेकिन जब हमारे पास मल्टीपल DVR को एक मॉनिटर में व्यू देखना होता है तो उस समय समस्या आ जाता है। तो उस समय हम इस तरह से करके और हम अपना व्यू करते हैं। तो उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दें ताकि इसी तरह वीडियो का इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचता रहे, और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए फाइनली स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये 16 चैनल का जो DVR है ना, सारा जो CCTV कैमरा से जो वायर हमारा सिग्नल वाला आ रहा है वो 16 चैनल में भर देंगे। ठीक है, और रखने के बाद इस तरह से आप देख सकते हैं, इस तरह से ये 16 चैनल का DVR है। ठीक है, इसी तरह सारा जो कैमरा का वायर हमारा है वो DVR में आ जा रहा है। ठीक है, और कैमरा का जो पावर हमारा होगा वो कैमरा के जिधर भी कैमरा हमारा लगा है उधर से हम एडेप्टर के द्वारा उसको पावर सप्लाई दे देंगे 12 वोल्ट। ठीक है, और बाकी रहा सिग्नल का बात, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं DVR में अगर ध्यान से आप देखते हैं तो ये एक्स्ट्रा एक पोर्ट मिलता है। ठीक है, वो वीडियो आउटपुट का। ठीक है, तो बाकी ये चारों जो DVR है उसका जो 16 चैनल का जो चैनल है कैमरा के लिए उसमें पूरा कैमरा आ गया, पूरा फुल हो गया। ठीक है, 1, 2, 3 और 4 DVR। ठीक है, चारों DVR हमारा यहाँ पे देख सकते हैं, 1, 2, 3 और ये रहा 4, ये फुल हो गया। ठीक है, बाकी एक हमारा जो DVR है वो नीचे है, आपको दिखा रहा हूँ, बहुत सारे ज़्यादा वायर है यहाँ पर देख सकते हैं, ये 4 चैनल का है। ठीक है, 4 चैनल का है। और क्या करना है कि जो हमारा 4 DVR है ना, इसमें जो हमारा वीडियो आउटपुट है, वीडियो आउटपुट जो पोर्ट है, इसमें से एक RJ6 केबल को BNC कनेक्टर के द्वारा कनेक्ट करके जो 4 पोर्ट का जो हमारा जो DVR है 4 पोर्ट का ये देख रहे हैं वहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। वीडियो इनपुट में जो हमारा कैमरा का जो केबल हमारा आके जो इनपुट में लगता है उसमें कनेक्ट कर देंगे प्रत्येक DVR से, या हम अपने TV में लाकर कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो हमारा इस चारों का व्यू जो है एक मॉनिटर में मिलने लगेगा। ठीक है, अभी इसका फ़िलहाल मेंटेनेंस चल रहा है, कुछ कैमरा काम कर रहा है कुछ कैमरा काम नहीं कर रहा, तो अभी चेक कर करके यहाँ पर अलग किया गया है और उसको जो काम नहीं कर रहा है उसको अलग किया गया है। ठीक है, और इसका भी मेंटेनेंस चल रहा है। और एक ऑप्शन और आपके पास भी है कि HDMI के द्वारा भी आप कनेक्ट करके आप चला सकते हैं। ठीक है, जो हमारा 4 पोर्ट का जो DVR है वहाँ से HDMI ये कनेक्ट करके और HDMI ये हमारे मॉनिटर में कनेक्ट करके आप इसको चला सकते हैं। और जो मैं बताया था कि 4 पोर्ट का जो हमारा DVR है वहाँ से एक BNC कनेक्टर जो वीडियो आउटपुट का जो हमारा चैनल होता है वहाँ से आउटपुट करके यहाँ पर TV पे आप देखते होंगे ऑडियो वीडियो जो इन होता है यहाँ पर रेड येलो में, इसमें कनेक्ट कर सकते हैं आप। ठीक है, इसमें डालने के बाद से इसमें इसका व्यू मिलने लगेगा। ठीक है, और HDMI है तो HDMI डाल करके अपने DVR में और TV में भी मॉनिटर में HDMI जो पोर्ट हमारा होता है उसमें डाल करके सिलेक्ट करके चला सकते हैं। ठीक है, और सोर्स में जा करके आपको AV1 AV2 ऐसे करके उसमें करना पड़ेगा। ठीक है, और HDMI डालते हैं तो HDMI करना पड़ेगा। तो आई होप कि इसको आप समझ गए होंगे कि 4 DVR को, जो हमारा 4 DVR है CCTV कैमरा के लिए, उसको एक मॉनिटर में कैसे व्यू देंगे। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग और मिलते हैं इसी तरह एक और कमाल के वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद।